डिजिटलाइजेशन के दौर में अब पासपोर्ट की तर्ज पर परिजन जेल में बंद कैदियों से ऑनलाइन तरीके से मुलाकात कर सकेंगे। जेल विभाग ने अनूठी पहल शुरू करते हुए राजस्थान में ई मुलाकात योजना लॉन्च की है। एनआईसी के सहयोग से शुरू की गई इस योजना को डीजी जेल एनआरके रेड्डी ने लॉन्च किया। आपको बता दें कि ई मुलाकात योजना के जरिए बंदियों के परिजन पहले जेल विभाग की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद जेल विभाग की ओर से परिजनों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसके बाद बंदी अब अपने परिजनों से घर बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकेंगे। इस योजना से राजस्थान की जेलों में बंद करीब 20,000 बंदियों को फायदा मिल पाएगा। इसी बीच हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने की डीआईजी जेल विकास कुमार से खास बातचीत। जेल विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू करते हुए अब डिजिटलाइजेशन के दौर में ऑनलाइन अब बंदियों से और परिजनों से मुलाकात कराने की एक अनूठी पहल शुरू की है। किस तरह पूरी पहल शुरू की है उसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर है डीआईजी जेल हैं विकास कुमार जी, क्योंकि लगातार 3 महीने से कोशिश कर रहे थे और उस पहल को आज यहाँ पर अमली जमा पहना गया है। सर, किस तरह की ये पहल है बेसिकली और क्या है पूरा सिस्टम ई मुलाकात? पिछले 3 महीने से हम लोग ऑपरेशन संजय के तहत ई प्रिजन परियोजना को पे काम कर रहे थे। उसके बाद हमने ई मुलाकात वाली परियोजना पे काम शुरू किया था, जिसमें आपको ध्यान होगा ऑपरेशन खाका, ऑपरेशन फुलत्रू चला के हमने रिकॉर्ड बेस बुरा दुरुस्त किया था। तो वैसे तो हमारी योजना ये थी कि 15 दिन के बाद हम लोग इसको फुल फ्लेजेड दोनों फेजेस को लागू करते। पहला फेज ये था जिसमें आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके किसी भी बंदी से मिलने के लिए मुलाकात का समय और तारीख ले सकते थे, ताकि आने पर यहाँ परेशानी नहीं हो। और दूसरा फेज ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू उससे आप बात कर लें। पर जैसा आप देख रहे हैं, कोरोना को देखते हुए मुलाकातों पर रोक लगी हुई, आने जाने पे पाबंदी है। तो जिन लोगों के परिजन बंदी के रूप में यहाँ हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी होती रहती है कि कैसे होंगे, क्या होंगे, तो चेहरा देख सकें, वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकें, इसके लिए हमने एनआईसी के सहयोग से, एनआईसी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है इसमें, तकनीक उनकी है, सॉफ्टवेयर उनका है, उसके थ्रू सभी केंद्रीय जेलों में ई मुलाकात की व्यवस्था शुरू की है। एक हमारा वेब एड्रेस है, उस एड्रेस पर जाकर आप क्लिक करेंगे, अपनी जानकारी डालेंगे, उसमें किससे मिलना चाहते हैं वो तारीख वो डालेंगे, आपके ईमेल आईडी पे अपने आप मिलने का समय, तारीख, पिन नंबर और लिंक आ जाएगा। उस नियत तिथि और तारीख को जैसे ही आप उस पिन लिंक पे क्लिक करेंगे और अपना पिन और नाम डालेंगे, आप कनेक्ट हो जाएंगे जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं उसके साथ। 5 मिनट आप उससे बात कर सकेंगे, वीडियो कॉल पर चेहरा भी देखेंगे, आवाज़ भी सुनेंगे रियल टाइम। तो ये व्यवस्था हमने पहली बार राजस्थान के सभी केंद्रीय जेलों में, इसको हम जिला जेलों पर भी शुरू करेंगे, ये शुरू कर दी है। इसका बेनिफिट जो है, सबसे पहला तो ये है कि करीब 20,000 बंदी हैं हमारे, तो हमने जो रिकॉर्ड बेस ऑपरेशन खाका के तहत बनाया था, उसमें प्रति व्यक्ति 10 अधिकतम मुलाकातियों की लिस्टिंग कर ली थी। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे सिस्टम में करीब 2 लाख लोग लॉग्ड हैं। ये 2 लाख लोग जब भी चाहें तो इस सिस्टम के थ्रू घर बैठे मुलाकात कर सकते हैं, निःशुल्क है, और इसमें कोई भी अधिकारी स्तर का या कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। कंप्यूटराइज्ड पिन जनरेट होता है, कंप्यूटराइज्ड उनकी मुलाकात फिक्स हो जाती है, तो सुलभ है, सुगम है, भीड़ भाड़ से बचता है, इन्फेक्शन की आशंका से आप बचते हैं। और आने वाले दिनों में जब हम दूसरे फेज में ये लॉन्च करेंगे कि आप अपनी मुलाकात पूर्व अपॉइंटमेंट लेके आ सकेंगे, फिक्स कर सकेंगे, तो जो आप भीड़ भाड़ देखते हो, गहमा गहमी देखते हो, दूर दूर से लोग आते हैं और पता चलता है आज मुलाकात नहीं हो सकती है, उन सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी और लोग बड़े आराम से मिल सकेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि ये नियमों, तकनीक और मानवीयता की त्रिवेणी का संगम कराया है हमने, ताकि लोगों को सुविधा भी हो, नियम भी ना टूटे, चीज़ें सस्ती हों, चीज़ें आसान हों, लोगों को राहत मिले। आपने बिल्कुल सही चीज़ को इंगित किया है कि जो पेशियों पे मुलजिम जाते हैं, फिर पेशी होती है लाना, ले जाना, व्यवस्थाएं करना, सुरक्षा, खर्च, सारी चीज़ें जो हैं उनको एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनकी पेशी हो जाए। कई जेलों में अभी चल रहा है, न्यायपालिका भी इस चीज में बहुत ध्यान दे रही है, बहुत केंद्रित कर रखा है कि इस व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा लागू किया जाए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये व्यवस्था हमारी बिल्कुल समग्र बेसिस पे पूरे जेलों में लागू हो जाएगी। बिल्कुल, ये थे डीआईजी विकास कुमार, चूँकि लगातार 3 महीने से जो ई मुलाकात का जो कॉन्सेप्ट था उस पर लगातार काम कर रहे थे, और आज जब कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं ई मुलाकात है, जो बंदी हैं जो जेल के अंदर जो बंद कैदी हैं वो अपने परिजनों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आज ये योजना जो लॉन्च की गई है इसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। खास बात ये भी है कि लगातार जो बंदी हैं वो लगातार जो परिजन हैं उनको जो न्याय नहीं मिल पाता समय पे, उसका भी कहीं ना कहीं इसी मुलाकात के जरिए बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादवेंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़, जयपुर। दिल्ली के निजामुद्दीन में